वेट लॉस 12 लास्ट लेक्चर में हमने किया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। हमको लास्ट टाइम बोला था कि मैं लेक्चर साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर कुछ डाउट था उस लेक्चर में तो हम लोग सैटरडे के ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे। अब आज हम चालू करने वाले हैं कॉल्स, कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एडवांस। कॉल्स एंड एरियर्स मतलब होता है कि सपोज वो जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबकी डिमांड करता है ना, तो किसी शेयर ऑर्डर ने पे नहीं किया तो वो कॉल्स एंड एरियर्स है। कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके पास और उतना ही अमाउंट पे करना बाकी है। एंट्री कैसे जाएगी, रिसीव करते टाइम ही लिखते हैं, ड्यू करते टाइम उनको नहीं पता था कि वो पे करने वाला नहीं करने, तो ड्यू करते टाइम हमेशा फुल अमाउंट की ही एंट्री आएगी जैसे नॉर्मल आती है। रिसीव करते टाइम बैंक अकाउंट जितना पैसा मिल रहा है, कॉल्स एंड एरियर्स जितना नहीं मिलेगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। अभी मैंने तीन क्यों लिखे हैं, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर्स किसी पे भी हो सकता है। हो सकता है वो अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा ना दे रहा हो, या फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं दे रहा, या सेकंड कॉल के टाइम पे नहीं दे रहा। एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी कॉल्स एंड एरियर्स नहीं आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट हमको पैसा मिलता है फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी आपका कॉल्स एंड एरियर्स नहीं आएगा। कॉल्स एंड एरियर्स ये तीन में से कहीं पर भी आ सकता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फिर सेकेंड कॉल। अब कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट में ही आएगा वो कैसे समझेगा, कॉल्स एंड एरियर्स होता है हमारा एक्सपेंस, नुकसान, एक्सपेंस क्योंकि हमको पैसे कम मिल रहे हैं, एक्सपेंस नहीं बोल सकते उसको, लॉसेस बोल सकते। और जब हमको पैसे कम मिलते हैं या लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट था ना नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द लॉसेस, तो हमने डिस्काउंट को भी डेबिट किया था, कॉल्स एंड एरियर्स को भी डेबिट ही करना। अब कॉल्स एंड एडवांस, कभी कभी क्या होता है ना कि आपने उसे अलॉटमेंट मनी मांगा और उसने बोला चाहे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब ले लो, बार बार कौन देगा, तो उसने एडवांस में ही पैसा दे दिया सबको, ये भी सेम रिसिप्ट के टाइम पर ही हमको पता चलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जब भी उसने एडवांस दिया हो, टू कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर मांगा उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, या मैंने फर्स्ट कॉल के टाइम पर मांगा सेकंड कॉल भी दे दिया, तो जो भी पैसा आपको उस टाइम के कॉल के लिए मिल रहा है जैसे बैंक अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस जो है वो क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि हमारा बर्डन है ना, लाइबिलिटी है, जब तक आप एडजस्ट नहीं करोगे तब तक वो बर्डन ही है। तो कॉल्स इन एडवांस को कैसे याद रखना है, कॉल्स इन एडवांस ये है हमारी लाइबिलिटी, फिर हम लोग कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो हमारी लाइबिलिटी है, वैसे ही ये वाला भी हमारी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी हमेशा क्रेडिट साइड में ही रहती है, आपका क्रेडिट साइड कॉल्स एंड एडवांस जाएगा क्रेडिट में। और जब भी कॉल्स एंड एडवांस मिलता है ना तो दो एंट्रीज आती है, एक तो जब मिला और अब इस कॉल्स एंड एडवांस को कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, किसके लिए मिला था, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल जिसके लिए मिला होगा तब हम वापस एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करना मतलब जब उनको मिला हमने क्रेडिट किया, जब एडजस्ट करना था हमने डेबिट कर दिया। सपोज मुझे ये कॉल फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एडवांस ये दोनों मिलाकर आपके फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल जो भी होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स के लिए, और कॉल्स एंड एडवांस के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब तक हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। जब भी आप एडजस्टमेंट बुक में लिखोगे ना, एंट्रीज के साथ साथ प्लीज क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाना उससे रिलेटेड, ताकि जब भी आप रिवाइज करो ना तो पता रहेगा कि इस टाइप का सम आपने कहां पर किया हुआ है। इसके बाद आते हैं मेन सम्स, फोर फीचर्स वाले। यहां तक तो एक सम्स में खत्म हो रहा था, फोर फीचर्स में बहुत सारे सम्स हैं और फोर फीचर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑन रुपीज टेन ईच। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है, एंड फर्स्ट कॉल पे 2.5 टेन रुपीज। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 30,000, 25 का इश्यू था 30,000, मतलब क्या है ये ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो दो चीजें देखनी पड़ेगी आपको, ये या तो रिफंड होगा या फिर प्रोरेटा दिया गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है वो सब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। वे मेड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑफ रूपीज 2,500, फर्स्ट कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर। बाकी सारा पैसा मिल गया लेकिन 2,500 शेयर्स जो थे उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। तो पहले नॉर्मल एंट्री सारी सेम रहेगी, लास्ट की एंट्री जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तब वहां पर चेंजेस आएंगे। मैंने अगर उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है कि टोटल एप्लीकेशन मनी हमको 30,000 रुपए मिलने वाली, जितनी एप्लीकेशन मनी 35,000, एक्चुअली कितना होना चाहिए 25,000, तो एक्स्ट्रा कितना है 12,500, तो ये जाएगा आपका अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट।
ये कैसे आया 30,000 इंटू 2.5, 25,000 इंटू 2.5, 3,500 दोनों का डिफरेंस। तो पहली एंट्री ऐसा मिला, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मिलेगा भाई, 30,000 इंटू 2.5, 35,000। जी तो यहाँ पे लिख दो 30,000 इंटू 2.5, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करना 2.5 मीन एप्लीकेशन मनी मनी और 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 2.5 2.5 and 2.50 दोनों सेम होता है, कोई फर्क नहीं है, आप डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हो। सेकेंड एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड करते रहे तो सेम 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमको एडजस्ट करना है ना, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा 12,700 और कैपिटल में कितना जाएगा 62,500। हमको सिर्फ 25,000 शेयर ही इश्यू किए तो हमारा कैपिटल में 62,500 ही दिखना चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। बी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव एडजस्टेड या रिकॉर्डेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिकॉर्डेड इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस जो भी था वो ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब थर्ड एंट्री आएगी हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू की, थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कितने में होगा 25,000 इंटू 5 1,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर एट द रेट रुपीज 5 या अगर ड्यू तक भी खत्म करोगे तो चलेगा, बट 25 शेयर्स पे 5 रुपए ड्यू। अब जब रिसीव करोगे तो ये 1,500 एडजस्ट करना है। हम फोर्थ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था 1,25,000 12,500 तो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, तो यहाँ पे चीज मेंशन करो 25,000 में से 12,500 मिल चुका है, जितना बचा है वो आपका रिसीव हो जाएगा। उसके बाद बचा है 1,12,500 बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव या फिर बीइंग इक्विटी शेयर बीइंग बैलेंस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, बैलेंस मतलब जितना भी बचा था वो रिसीव हो गया। अब फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट कॉल कितने का था 2.5, तो रिकॉर्ड करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अमाउंट 25,000 पे 2.5 यानी 62,500 डिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 2.5 ईच। अब जो रिसीव कर रहे हो ना तो आपको बोला है कि 2,500 शेयर्स ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा, तो रिसीव करते टाइम बैंक अकाउंट में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बैंक में इतना मिलेगा, 25,000 में से 2,500 के शेयर्स नहीं मिल रहे, मतलब 22,500 का पूरा अमाउंट मिल रहा है, 22,500 इंटू 2.5 पूरा अमाउंट मिल रहा है। कॉल्स इन एरियर्स कितना हो जाएगा, 2,500 इंटू 2.5 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर चीज लिख दो 2,500 इंटू 2.5 नहीं मिलने वाला है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये 22,500 इंटू 2.5 हो जाएगा 56,250 और कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा आपका 6,250 पूरा मिलाकर मतलब 2,500, मतलब 25,000 में से 2,500 नहीं मिलने वाला है, बाकी के जो शेयर बचे 22,500 वो मिल जाएंगे। एंड अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता हो तो इक्विटी फर्स्ट कॉल तो सेम 62,500 ही आएगा, जो नहीं मिलेगा माइनस कर दो, जितना बचा है वो आपको मिल जाएगा। बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट ऑन 2,500 यहाँ पे बताया कि 2,500 शेयर्स थे उनको नहीं मिला, बाकी पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया। अब आपको बैलेंस शीट भी बोलिए यहाँ पर, तो बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट, क्योंकि सिर्फ दो या तीन ही ट्रांजेक्शन करने रहते हैं, तो हम एसेट में डालेंगे बैंक अकाउंट। बैंक में आपको पूरा पैसा मिल रहा है, सिर्फ ये 6,250 नहीं मिलने वाले, तो आपको चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हो बैंक में सबसे पहले मिला था आपको 75,000 बैंक का टोटल बन, ठीक है, उसके बाद आपको बैंक में मिला था 1,12,500, उसके बाद लास्ट अमाउंट मिला है 56,250। या तो आप इस तरह से टोटल करके दिखा सकते हो, या फिर पूरा अमाउंट मिलेगा सिर्फ ये कॉल्स इन एरियर्स माइनस करते हो, मतलब पूरा अमाउंट कैसे मिलेगा 25,000 इंटू 10 माइनस 6,250, तो ये हो जाएगा 2,43,750 सॉरी आउटर कॉलम रहेगा 2,43,750। आप लोग बैंक का वर्किंग नोट बना के देते हो, उसके बाद बैंक का किस तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 25,000 इंटू 10 करोगे 2,50,000 आता है, 2,50,000 में सिर्फ यही अमाउंट नहीं जाना 6,250 माइनस कर दो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कैसे रिकॉर्ड करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास शेयर कितने 25,000 यानी कि 2,50,000 के शेयर दिए हैं, 2,50,000 कितना चाहिए, लेकिन पैसा कितना है मिला 6,250, तो यहाँ पर माइनस करेंगे कॉल एरियस 6,250, ये माइनस करने के बाद सेम अमाउंट आता है 2,43,750। ये आपकी बैलेंस शीट है, वो ज्यादा नीचे बन गई है, तो अगर देख लो वापिस बैंक अकाउंट हमने कैसे निकाला, जितना जितना अमाउंट आपको मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पे मिला, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन पे मिला, फिर अलॉटमेंट पे मिला, फिर फर्स्ट कॉल पे मिला, तो तीनों को ऐड कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट मिल जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो 25,000 × 10 पूरा पैसा मिलने ही वाला था, इसको माइनस कर दो इतना नहीं मिला। सेकेंड है इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे लिखना है, पूरा 25,000 × 10 2,50,000 क्योंकि सारे कॉल्स जुड़ते हैं सारे रिसीव, लेकिन उसमें से ये 6,250 नहीं मिला, तो हमारी लाइब्रेरी अभी सिर्फ 2,43,750 की ही है, 6,250 नहीं मिला तो हम लाइब्रेरी में काउंट नहीं कर सकते, पूरा 2,50,000 हमारी लाइब्रेरी होती अगर ये 6,250 ने टेक किया, तो इसको हम कॉल्स इन एरियर्स करके माइनस कर देंगे, अमाउंट दिखाएंगे 2,43,750 का।
तो ये हो गया आपका कॉल्स एंड एरियर्स का काम। अभी चलते हैं कॉल्स एंड एडवांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में अर्चना लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ ईस्टर्न ईच एट 12 पेबल मतलब प्रीमियम पर। तीन एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट विद प्रीमियम है, 4 है फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे रिसीव फॉर 8,000 मतलब ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का सम। आपको सम देख के यहाँ दिमाग में 3-4 चीजें आ जानी चाहिए। अगर पैसे ज्यादा है, 10 रुपीज है और 12 पे इश्यू करे मतलब प्रीमियम का सम है, प्रीमियम की रिकॉर्डिंग होती है थर्ड एंट्री में जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। और ये 10,000 एप्लीकेशन निकाला था, 8,000 शेयर्स ही अप्लाइड हुए हैं मतलब ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमको 8,000 शेयर्स पे ही लेते जाना है। केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर्स मेड अ फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पर वो क्या एडवांस में भरे, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट तो भरना ही है। जो फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हुआ था वो भी उसने भर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस कितना आएगा, 400 शेयर पे उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी भर दिया अलॉटमेंट के टाइम पर। कॉल्स इन एडवांस इस तरह से दिखाना, अलॉटमेंट का अमाउंट तो उस टाइम पे भरना ही था, वो कॉल्स इन एडवांस नहीं है। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं भरना, वो भी भर दिया, वो कॉल्स इन एडवांस। अब ये 12 रुपए थे, 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 प्रीमियम पे और 4 रुपए फर्स्ट कॉल। तो भी एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन में मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर आपको 8,000 पर मिल रहा है 3 रुपीज एप्लीकेशन पर। जितना इश्यू और जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमेशा एप्लीकेशन मनी उतने पे ही आता है, 24,000 रुपीज मिला। बीइंग एप्लीकेशन मनी, ये जो कैलकुलेशन है ना यहाँ पे शो कर, मेरे यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम पड़ जाएगी इसलिए मैंने शो नहीं किया, वरना हर सम में किसको मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे शो कर लेंगे। बैंक अकाउंट में यहाँ पर आप लिखोगे 8,000 × 3। बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 3 ईच रिसीव। यहां से आपका टफ पार्ट शुरू हो गया है समझा, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम सब कुछ मिक्स हो गया है। तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, इवन ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, जितनी एप्लीकेशन आपको मिल रही है ना फर्स्ट एंट्री तो हमेशा उस पर ही है। सेकेंड जब हम रिकॉर्ड करेंगे तब करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो रिफंड कर दो या अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो, यहाँ पर तो कुछ नहीं आने वाला। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर तो 24,000 नहीं एडजस्ट करने में, कुछ एडवांस वडवांस मिलना नहीं है, एप्लीकेशन मनी तक नहीं मिला, अलॉटमेंट में मिला। जी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आइए थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की, तब आपका प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। थर्ड एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अब प्रीमियम क्या होता है, हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है। फायदा होता है, फायदा कहा जाता है क्रेडिट में, प्रीमियम का एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सॉरी टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। इसको हम शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हैं, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हैं। अलॉटमेंट में मिल रहा है आपको 5 रुपया, तो 8,000 × 5 = 40,000। उसमें से एक्चुअली अलॉटमेंट का कितना है, सिर्फ 3 रुपीज, तो 24,000 आपका हो जाएगा अलॉटमेंट का। एंड बाकी का जो 2 रुपीज है यानी कि 16,000 वो होता है इक्विटी शेयर प्रीमियम का। क्या किया, अलॉटमेंट पे ये 5 रुपीज मिल रहा है लेकिन अलॉटमेंट में ड्यू कितना तक की एंड प्रीमियम पे 2, तो 8,000 को
अलॉटमेंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई किया और 1000 को प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई किया। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉन्ग विद प्रीमियम। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा और अलॉटमेंट मनी जब रिसीव हो रहा था तभी आपको वो कॉल्स एंड एडवांस भी रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट ये एंट्री है हमारी फोर्थ। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब लास्ट टाइम बताया था मैंने कॉल्स एंड एडवांस आखिरी लेक्चर में बताया कॉल्स एंड एडवांस हमारा लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में चलेगी क्रेडिट में। आपको पैसा मिला अलॉटमेंट के लिए कितना मिलना चाहिए था आपको 40,000 वो पूरा मिल गया तो अलॉटमेंट के यहाँ पर दिखाएंगे 40,000 ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस में कितना मिला 4,400 × 4 1,600 ये कॉल्स एंड एडवांस है 1,600 का तो दोनों मिलाकर मिलता है आपको 41,600 का पैसा इस टाइम पर मिल गया। मेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव एंड कॉल्स इन एडवांस फॉर 400 शेयर्स ऑल्सो रिसीव। यहां देख सकते हो कि इंडिविजुअल अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस फॉर 400 शेयर्स एट द रेट ₹4 रिसीव अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस फॉर 400 शेयर्स एट द रेट ₹4। अब आगे फॉर फिफ्थ एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू की। फर्स्ट कॉल ड्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तब हम ये कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट कर देंगे। यहां पर आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल है कितने का 4 का। फिर आपका एप्लीकेशन इकड़ा 32,000 × 4 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो हमने रिकॉर्ड किया। बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ₹4। अब हमको रिसीव होगा। अब रिसीव करते टाइम ये कॉल्स एंड एडवांस को एडजस्ट करना है, बचा हुआ जो भी अमाउंट रहेगा वो रिसीव हो जाएगा। अगर 32,000 से 1,600 ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स एंड एडवांस को एडजस्ट करना मतलब हमने रिकॉर्ड किया था डेबिट क्रेडिट में, एडजस्ट मतलब ऊपर लेकर आए थे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। मतलब इंडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हमको फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मिलना चाहिए था और साथ में कॉल्स एंड एडवांस दोनों मिलाकर आपका टोटल 32,000 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तो हमको कॉल्स एंड एडवांस में मिला 1,600 और मिलना कितना चाहिए था 32,000। तो 32,000 में से 1,600 को माइनस करेंगे तो होता है 30,400 जितना पैसा हमको बैंक में मिला। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। अब तक तो हम इजी इजी जा रहे थे, इस सम से थोड़ा टफ टफ आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एंट्रीज याद नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज एंट्रीज कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाना कि कब आपको प्रीमियम रिकॉर्ड करना रहता है। वही 6-7 एंट्रीज घुमाकर लेकिन प्रीमियम कौन सी एंट्री में रिकॉर्ड करना है, कौन से एडवांस को कब व्यू करना है, कब शो करना है, कौन से एरियर्स को किधर लिखना है, वो सारी चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो 4 फीचर में फिर से प्रॉब्लम होना शुरू होगी। 4 फीचर में मोस्टली कौन से एरियर्स की ही एंट्री है, फिर फोरफीट होते हैं कुछ एंड फिर री इश्यू होते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कम्प्लीट करते हैं। सम्स में आप लोगों को फोटो सेंड कर दूंगी
एंड सीए के भी सम्स क्वेश्चन नंबर बता दूंगी मैं, उतने सम्स प्लीज सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस होना जरूरी है। इस चैप्टर के साथ जो ऑप्शन में है वो थियोरी पार्ट है कंप्यूटर्स वाला, तो उसके कंपेयर में ये वाला चैप्टर ज्यादा बेटर है। तो ये यहाँ तक देख लो, मैं 2 मिनट वापस रख रही हूँ, देख लो, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं।